जहां नरही प्रशासन ने एक तरफ पशु तस्करी को रोकने की मुहिम छेड़ रखी है, वहीं तस्करी के नए नए हथकंडे अपनाकर पशु तस्करी करने में लगे हुए हैं। ताजा मामला नरही थाना का है, जहां कल पुलिस को चुनौती देते हुए तस्कर खुलेआम दिन में गंगा नदी से नाव के द्वारा पशुओं को बिहार ले जाने की फिराक में थे, लेकिन उनके मंसूबों को गांव के लोगों ने पशुओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर पानी फेरने का काम किया। उसके बाद भी पशु तस्करों का हौसला बुलंद आज सुबह में देखने को मिला, जब तेज रफ्तार से बलिया की तरफ से आ रही दो टाटा सुमो जो बिहार जा रही थी को पिकेट पर तैनात सिपाहियों ने रोका। गाड़ी में चार पशु मिले, पशुओं को दयनीय स्थिति में बांधकर गाड़ी से ले जाया जा रहा था। नरही पुलिस ने एक पशु तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी तस्कर आजमगढ़ से पशुओं को वाहन के द्वारा बिहार ले जाते हैं। वहीं बलिया जनपद के कई थानों को पार करना पड़ता है, मुख्य रूप से रसड़ा कोतवाली, फेफना थाना एवं चितबाड़ा गांव थाना, लेकिन इन थानों को पशु तस्कर बड़े आराम से पार कर जाते हैं।